हाय फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ सेज़वान फ्राइड राइस। फटाफट बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए मैंने 2 कटोरी बासमती राइस 20 मिनट के लिए भिगा के रखा था। फिर मैंने टोप रखा, पानी गर्म करा, उसमें 3 गिलास पानी मैं डालूँगी उबालने के लिए। हमेशा बर्तन थोड़ा बड़ा रखें, वरना चावल और पानी जब उबलने लगेगा तो वो बहने लगेगा। पानी गरम होने पे, हल्का गरम होने पे मैंने चावल डाल दिए और उसको एक बार घुमा लिया। इसमें मैंने आधा छोटा चम्मच नमक डाला है और 1/4 टीस्पून मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल मैंने इसमें इसलिए डाला है ताकि वो चावल चिपके ना रहें, एकदम खुला खुला बनता है। देखिए, जब उबलने लगा, बीच बीच में हमको इसको घुमाना है और हमें तेज आंच पे रखना है इसको। स्लो पे बहुत जल्दी ये अंदर नरम हो जाएंगे, इसलिए हमें तेज पे इसको उबालना है। और फिर हमें चेक करना है कि पके हैं कि नहीं चावल। चावल 90% पकना चाहिए, 10% जब हम सॉसेस डालेंगे और उसको सौते करेंगे उसमें पक जाएंगे। क्योंकि फ्राइड राइस वगैरह में हम लोग ज़्यादा देर चावल को पकाते नहीं हैं, इसलिए 90% पकना उसका ज़रूरी है। इस तरह हम लोग इसको अभी खुला छोड़ देंगे 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए, तो ये चावल अच्छे से खुल जाएंगे। अब मैंने ये सब जो सब्जियां काट के रखी है बारीक बारीक, जिंजर गार्लिक चिल्ली पेस्ट बना के रखा है, चावल बॉयल पड़े हैं, सॉसेज रखी हैं, सेज़वान फ्राइड राइस मसाला भी रखा है। इसमें मैं 3 चम्मच तेल डालूँगी। तेल इसमें थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, वरना चावल सब्जियां कढ़ाई में चिपकने लगेंगी, इसलिए तेल रहना चाहिए चाइनीज़ में ताकि वो अच्छे से घूम सके। 3 बड़े चम्मच तेल इज़ सफिशियंट। तेल गरम होने पे मैंने जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट डाला और जो ग्रीन ओनियन का वाइट पार्ट था उसको लंबा लंबा काट के डाल दिया। ग्रीन पार्ट मैंने रखा है, उसको मैं बाद में डालूँगी। इसको पूरा नहीं पकाना है, उसको हल्का सा लगेगा कि थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है या थोड़ा सा पक गया है, तब हम इसमें बाकी सब्जियां डालेंगे। चाइनीज़ में कभी भी फ्राइड राइस या नूडल्स, उसमें सब्जियों को फुल पकाना नहीं रहता है, थोड़ा पकना चाहिए, थोड़ा उसमें क्रिस्पी टेस्ट भी आना चाहिए। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च डाल के घुमाऊंगी। इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, पहले सब्जियों को अच्छे से धो लें, सुखा लें, बाद में इसको काट के और खुला छोड़ दें, तो वो एकदम ड्राई रहनी चाहिए सब्जियां। कभी भी चाइनीज़ बनाने के लिए इस तरीके से थोड़ी बड़ी कढ़ाई ही लेनी चाहिए, क्योंकि उसको घुमाने के लिए अच्छे से जगह होनी चाहिए। हमें उसको स्लो पे पकाना नहीं है राइस और सब्जियों को, हमें उसको तेज आंच पे घुमाना है, तो हमेशा बड़ी कढ़ाई ही लें। उसको करीब 2 मिनट के लिए मैंने लिड रखा, जो कि उसमें एकदम कच्चापन उसका निकल जाए और हल्का सा हमें पका हुआ फील हो। अब मैं इसमें ग्रीन ओनियन डालूँगी। पूरा ग्रीन ओनियन मैं नहीं डालूँगी, थोड़ा डालूँगी उसका। बाकी पार्ट मैंने बचा के रखा है, उसको बाद में डालूँगी। अब मैंने इसमें राइस डाल दिया। जो भी सॉसेज और मसाले मुझे डालने हैं वो मैं राइस के ऊपर डालूंगी। अगर मैंने उसको वेजिटेबल्स के ऊपर सॉसेज और मसाले डाले
तो ये जो कलर है वेजिटेबल्स का वो सब चेंज हो जाएगा। इसलिए अगर हमें ओरिजिनल कलर चाहिए तो हमें जो भी मसाले सेजवान फ्राइड राइस मसाला सॉसेज हम लोग चावल के ऊपर डालेंगे। थोड़ा सा मैंने नमक डाला क्योंकि पहले भी हमें नमक डाला है और सॉसेज में भी नमक रहता है। सेजवान फ्राइड राइस 2 से 3 चम्मच आप डालिए, आपके हिसाब से डालिए, बिकॉज़ ये थोड़ा सा तीखा हो जाता है, तो आप थोड़ा डाल के फिर आप टेस्ट करके देखिए कि कितना तेज़ चाहिए। एक छोटा चम्मच मैंने विनेगर डाला, एक चम्मच मैं सोया सॉस डाल रही हूँ, दो चम्मच मैंने चिली सॉस डाला है, ग्रीन चिली सॉस। अब हम इसको तेज़ गैस पे पकाएंगे, पकाएंगे मतलब इसको सौते करेंगे तेज़ गैस पे, इसको स्लो करके, हमें अभी लिड वगैरह नहीं रखनी है, तेज़ पे ही घुमाते रहना है। बचा हुआ ग्रीन ऑनियन के लीव्स हम लोग डाल देंगे। देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है। हल्का सा काली मिर्च डालेंगे, ये ऑप्शनल है क्योंकि इससे तेज हो जाता है। थैंक यू।